तो इस वक्त हम लोग ललित कला अकादमी में हैं और यहाँ पर लेंस ऑन लाइफ नाम से एक एग्जीबिशन लगाया गया है। बहुत ही शानदार सी तस्वीरें यहाँ पर हैं इस एग्जीबिशन में और उन शानदार सी तस्वीरों को खींचने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। उनसे ज़रा सा बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है और जब आप इसे देखने आएंगे तो आपको क्या महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेंगी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो KGMU गूंज पर, और अपना परिचय दें फिर उसके आगे की बातचीत। मैं मनोज छाबड़ा हूँ, पिछले 30 साल से लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं जयपुर में था, जयपुर से यहाँ पर 91 में आया और तब से मैं लखनऊ को देख रहा हूँ। तो लखनऊ को जिस तरीके से पहले था और जिस तरीके से चेंज हुआ, उसको कुछ मैंने अपनी तस्वीरों में उतारा है कि लखनऊ किस तरीके से धीरे धीरे चेंज हुआ और क्या क्या चीज़ें नई आई यहाँ पर, वो सब कुछ है और पुराना भी इसमें बहुत कुछ है। नाम आपने दिया एग्जीबिशन का लेंस ऑन लाइफ, इसका मतलब? लेंस ऑन लाइफ का मतलब कि लाइफ जो आप आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है वो उस लाइफ को देखता तो है लेकिन कैमरे में नहीं कैद करता, उसको समझ नहीं आता ये भी कोई पिक्चर हो सकती है। लेकिन वो लाइफ जो है सड़क पे, उसको मुझे लगता है कि ये लाइफ है और ये मेरी पिक्चर है, मैं उसको खींचता हूँ। और करीबन लगभग आप बता रहे कि 91 से आप लखनऊ से जुड़े हुए हैं, लखनऊ को आपने बहुत ही करीब से देखा और महसूस किया होगा, जो कि आपने इस प्रदर्शनी में भी दिखाने का प्रयास किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये शौक़ कब आपके जहन में आया, कब आपने शुरुआत की, ऐसा क्या कुछ रहा जिस टाइम आपने शुरुआत की होगी? मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर किसी के पास कैमरा रहता होगा, तो उस टाइम आपने कैसे शुरुआत की, क्या सोचा था आपने? मैं सेकेंडरी हाई सेकेंडरी की तैयारी कर रहा था और मेरे छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैंने, मेरे पापा के मित्र हैं वो अच्छे फोटोग्राफर हैं, उनका स्टूडियो भी था जयपुर के अंदर, बहुत बड़ा स्टूडियो था। तो मैंने पापा से कहा कि मैं फ़ोटोग्राफी सीखना चाहता हूँ। तो यही हुआ कि 2-3 दिन बाद वो उनके मित्र भी मिल गए, उनने उनसे बात करी कि मेरा बेटा फोटोग्राफी सीखना चाहता है, तो उन्होंने कहा आप कल से भेज दीजिए उसको। तो पापा ने मेरे से कहा कि तुम वहाँ पर चले जाओ, हम वहाँ पर जाने लग गए। छुट्टियाँ चल ही रही थी तो बाद में इतना वो हुआ कि मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और फोटोग्राफी लाइन में ही आ गया मैं बिल्कुल। और उनने भी मुझे बहुत आगे सारी चीज़ें सिखलाई करी और कुछ टाइम ऐसा आया कि मुझे, मैं शौकिया तौर पे मेरे फ्रेंड के पास कैमरा था, उस समय कैमरा बड़ी मुश्किल से मिलता था, उसका कैमरा लेके मैं यूँ फोटोग्राफी करने गया हुआ था। तो वहाँ पे पापा के मित्र मिल गए जो जर्नलिस्ट थे, पापा भी मेरे जर्नलिस्ट रहे हैं और अब तो वो रिटायर हो गए, तो वो मिल गए, बोले यार तुम हमारे एक जो तस्वीर खींच दो, हम पेपर में छापना चाहते हैं ये तस्वीर। तो मैंने ठीक है, मैंने वो तस्वीर खींची और मैंने शाम को जाके उनको पेपर में दे दी, वो दूसरे दिन तस्वीर छप गई। इस तरीके से मेरा अपना एक करियर शुरू हुआ। सबसे पहले मेरी फोटोग्राफ जो छपी वो इंदिरा गांधी की छपी। इंदिरा गांधी मेरी भाभी हैं, वो चावल के दाने पर लिखती हैं, उन्हें एक चावल के दाने पर उन्हें 72 लेटर्स लिखे थे, वो भी आज यहाँ पर आएंगी। और उन्हें लास्ट जो लिखा है चावल के दाने पर 108 लेटर्स लिखे हैं एक चावल के दाने पर। तो उन्हें वो 72 लेटर्स वाला चावल जो था वो इंदिरा गांधी को प्रेजेंट कर रहा था, वो फोटोग्राफ मैंने खींची थी और वो फोटोग्राफ कोई भी नहीं खींच भी नहीं पाया था उसको, मैंने ही खींची थी वो सारे पेपर्स में छपी सबसे पहले मेरी फोटोग्राफ। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जयपुर बंद हुआ, इलेक्शन हुए, वो धीरे धीरे सारी फोटोग्राफ मेरी छपती गई पेपर्स में और एक न्यूज़ फोटोग्राफर के तौर पर मैं डेवलप हो गया वहाँ पर। और साथ ही में मुझे कुछ टाइम बाद ही एक वहाँ पर लोकल पेपर है उससे ऑफ़र भी आ गया, दैनिक नवज्योति करके एक पेपर है, वहाँ पे मैंने काम शुरू कर दिया। वहाँ पे कुछ कर ही रहा था कि 9-12 टाइम्स लॉन्च हुआ वहाँ से, तो वहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। इस तरीके से मैं 9-12 टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ गया और 6 साल मैंने वहाँ पे काम करा। और 6 साल बाद वहाँ का एक एडिशन बंद होना था, तो मेरे को ऑफ़र दिया कि आप लखनऊ है, बेंगलोर है, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ चले जाइए, ये एडिशन हम बंद कर रहे हैं, तो आपको ट्रांसफ़र, एक तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप वहाँ पे ट्रांसफ़र ले लीजिए अगर आप जाना चाहते हैं तो। मैंने कहा लखनऊ बहुत अच्छा है और उस समय अयोध्या वाला केस चल रहा था, तो मुझे अयोध्या कवर करने की बहुत इच्छा थी, तो इसलिए मैंने लखनऊ कि मैंने 1.5 साल रहेंगे लखनऊ में और ये कवर करके अपने जयपुर आ जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है दोनों शहरों में, तो इसलिए मुझे बहुत अजीब सा नहीं लगा यहाँ पर। और धीरे 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 आज 30 साल मेरे निकल गए यहाँ पर लखनऊ में और मैं लखनऊ का होके रह गया और जयपुर, जयपुर छूट गया एक तरीके से मेरा। अच्छा, इतना लंबा आपका सफ़र ये रहा है, मेरी जितनी उम्र है उतनी उम्र से तो आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो इस बीच में जैसे पॉलिटिकल फोटोग्राफी करना हुआ या ऑफ बीट करना हुआ तो बहुत सारे की दिक्कतें भी आती होंगी। हाँ, दिक्कतें पहले तो नहीं आती थी,
पहले तो हम जिस भी नेता से जैसे कहते थे वैसे वो करने को तैयार हो जाते थे और करते भी थे, और आराम से हमारे को फोटोग्राफ, हम बहुत पास जाके उनकी फ़ोटोग्राफ खींच सकते थे, सब जगह सारे काम होते थे, आराम से होते थे, कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हमारे साथ में। जैसे एक बार मैंने, राजस्थान की बात है, राजस्थान में राजीव गांधी के साथ में मैं सफ़र कर रहा था, उनकी आगे वाली गाड़ी के अंदर मैं था, वो पीछे वाली गाड़ी में थे, और बिल्कुल पास में जाके मैंने सारी फ़ोटोग्राफ खींची, लगी हुई है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उस समय। आज जो डिस्टेंस हो गई है और आज जो बैरिकेटिंग्स लग गए हैं फोटोग्राफर्स के लिए, तो वो फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल हो गया है हर जगह पर। अब आप कहीं पे भी सड़क पे भी कैमरा निकालते हैं ना, तो किसी आदमी की फ़ोटोग्राफ खींचते हैं तो वो भी पूछ लेता हमारे से, क्या फ़ोटोग्राफ क्यों खींच रहे हमारी। जो जागरूकता आई है फोटोग्राफी के प्रति, वो जागरूकता पहले नहीं थी। हम किसी फोटोग्राफ खींच रहे हैं किसी को कोई मतलब ही नहीं होता था नहीं, क्या फोटोग्राफ। इसके पीछे आप डर को भी देखते हैं या जागरूकता को देखते हैं? डर ज़्यादा हो गया कि लोग बाग उसका मिसयूज़ करने लग गए हैं उन फोटोग्राफ को खींच के, इसलिए लोगों को डर ज़्यादा हो गया कि पता नहीं ये फोटोग्राफ खींच के क्या यूज़ करेगा हमारा। अच्छा, और जैसे आपने कहा कि आप फोटोग्राफी का इतना लंबा आपका सफ़र है, एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर भी आपने यहाँ पर लगा रखी, इसके बारे में ज़रा सा बताइए, क्योंकि बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिल रही है लोगों को। एक बच्चा है, इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा। बहादुरी का। इसने यहाँ पर डालीगंज पुल है अपने, वहाँ पे 3 जनों की जान बचाई थी इस बच्चे ने। अच्छा। उसके अंदर इसके दोनों हाथ और एक पैर वो चले गया, और ये अभी CMS स्कूल में पढ़ रहा है, और ये अपने सारे काम सब कुछ अपने पैर से ही करता है, और पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाता है ये बच्चा। ये पैर से लिख भी रहा है मुझे लगता है। हाँ। एक और बहुत ही प्यारी सी तस्वीर यहाँ पर बगल में है, आप देख रहे होंगे शायद, मुझे पता है कि आप लोगों ने कभी ना कभी इसका आनंद जरूर लिया होगा। ये इसे बायोस्कोप ही कहते हैं ना? हाँ, इसको बायोस्कोप ही कहते हैं। और ये पहले गली गली के अंदर, आप जगह जगह, जैसे लाल किला है, इंडिया गेट है, बम्बई है, ये सारी इसके अंदर तस्वीरें हुआ करती थी। कोई फिल्मी हीरोइन है उसका डांस करते ही की तस्वीर है, और कुछ है वो सारी तस्वीरें, और धीरे-धीरे से ऊपर से घुमाते थे। हाँ। और इसमें पिक्चर्स चेंज होती जाती थी। हाँ। ये बायोस्कोप कहलाता था। हाँ। और गली गलियों में बहुत घुमा करते थे उस समय। तो ये आपकी ली हुई तस्वीर को नहीं मिलता अब तो, ये आप ही की ली हुई तस्वीर। हाँ। अच्छा, अब एक चीज और बताइए कि क्या इस तरह का एग्जीबिशन इससे पहले भी आपने किया हुआ है? नहीं, ये पहली बार कर रहा हूँ मैं। तो लखनऊ वासियों से क्या उम्मीद है आपको? लखनऊ वासियों से यही आने के लिए कहूँगा मैं कि आएं और इस एग्जीबिशन को देखें, और लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजनीति को और सबको समझें कि किस तरीके से राजनीति और सब चीज़ें उतरी है, छड़ी है, उनने क्या क्या बदलाव करे इस राजनीति और शहर में, वो सारी चीज़ें तस्वीरों में देखने को आपको मिलेगी। आप कभी भी आ सकते हैं, और सैटरडे और संडे 2 दिन रहेगी ये एग्जीबिशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद KGMC रेडियो का, जिसने मुझे इतना समय दिया और मेरी एग्जीबिशन को कवर करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें, और उसके बाद फिर आप बताएं कि जो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जीबिशन लगाया गया है, इसका क्या मकसद है? मेरा नाम नीलू छाबड़ा है, वाइफ ऑफ श्री मनोज छाबड़ा। और एग्जीबिशन का मतलब ये है कि वैसे 34 का वर्क है इस एग्जीबिशन के अंदर, और मकसद ये है कि ये फोटोग्राफ्स अब ज़्यादा लोगों को देखने को मिलेंगी नहीं इस तरह की। इसमें पूरी लाइफ जर्नी, इसमें सेलिब्रिटीज़ भी है, इसमें पॉलिटिकल भी है, इसमें ऑफबीट्स भी हैं, सभी तरह की कैटेगरीज की फ़ोटोग्राफ्स हैं इसके अंदर। एग्जीबिशन को लेके उत्साह है सभी के अंदर, क्योंकि श्री मनोज छाबड़ा जी को काफ़ी समय से लोग जानते हैं, और ये उनका पहली बार एग्जीबिशन उनकी लग रही है। तो बहुत करीब 2,500 फ़ोटो में से हमने कम कर करके 150 से 200 फोटोग्राफ्स लेके आए हैं। तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल था, काम बहुत मुश्किल था, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, लोगों का कैसा रहेगा रिव्यू। ये कितने दिनों से मतलब ये तैयारी चल रही थी कि हाँ इस तरह की फ़ोटोज़ लेनी है और प्रदर्शनी लगानी है? करीब पिछले साल भर से इसमें एग्जीबिशन की तैयारी चल रही थी, जिसमें 6 महीने से फ़ोटो सिलेक्शन और फ़ोटो को ठीक करने में लगा। अच्छा, सर के अंदर जिस तरह से मतलब फ़ोटोग्राफी करने का एक शौक़ है, और इतनी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने फ़ोटोज़ ले रखे हैं यहाँ पे प्रदर्शनी में जो लगाई गई हैं, उनके शौक़ को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि आप उनकी फैमिली की हैं, घर पे भी उनको देखते होंगे, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तो घर पे हैं वो मोबाइल से फ़ोटो खींचने लगते हैं, कुछ भी होता है पहले फ़ोटो खींचते हैं, तो इस शौक़ को लेकर के कुछ कहना है आपको? नहीं, ये उनका पैशन है सबसे बड़ी चीज़,
और उन्होंने अपने पैशन को अपने वर्क में ढाल लिया, ये उससे बड़ी चीज़। और कमाल के फोटोग्राफर है, इसमें कहीं वो नहीं है। और मुझे बहुत खुशी होती है ये सब देखकर, और मुझे भी फोटोग्राफी का शौक़ है। हम दोनों ही मिलके कहीं कहीं पे डायरेक्शन भी देते हैं एक दूसरे को, और सिलेक्शन भी करते हैं, और एक दूसरे के सहयोग से ये एग्जीबिशन लगाई जाए। मैम, कुछ ऐसा होता ना कि कई बार कुछ फ़ोटोज़ मेरे दिमाग में तो बन जाती हैं कि हमें ऐसे क्लिक करनी है, पर वो समय आना या वैसा बिल्कुल एग्जैक्ट मिल पाना बड़ा कठिन होता है। तो क्या कुछ फ़ोटोज़ के लिए बहुत लंबा इंतज़ार भी करना पड़ा क्या? जी हाँ, अगर कुछ फ़ोटोज़ जैसे वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोज़ होती है उसमें 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे दिन भर भी लग सकता है। आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपको एनिमल का वेट करना पड़ेगा कि वो कब उस स्थिति में आएगा। तो इसलिए ये वर्क तो बहुत हार्ड है, हर फोटोग्राफर के लिए वर्क बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी खुशी अलग होती है। लखनऊ वालों से क्या कहना चाहेंगी जो लोग यहाँ पर आके देखना चाहते हैं? लखनऊ वालों से मैं यही कहना चाहूँगी, आप आइए देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत सारी चीज़ें जो अब शायद मुश्किल होगा देखने के लिए, वो आप देखिए, इस प्रदर्शनी से आके जुड़िए। थैंक यू सो मच। वेलकम। सर, आज ललित कला अकादमी में बहुत ही शानदार से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, लेंस ऑन लाइफ। इस नाम का क्या मतलब है और क्या कुछ सोच करके ये लगाया गया है, हमें आज बताइए। लेंस ऑफ लाइफ का मतलब, ऑन लाइफ का मतलब ये हुआ कि एक लेंस किस तरीके से जीवन को अपने अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। और हमारी आँख में भी लेंस होता है, वो देखता है, हमारे दृष्टि पटल पे इमेज जाती हैं, और कभी हम उसे कैमरे के माध्यम से जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हम उस दृश्य को दोबारा देख सकते हैं। कभी भी हम चाहें तो उस परिस्थिति में स्वयं को, अपनी मनस्थिति को ले जा सकते हैं। अच्छा, ये जो तस्वीरें लगाई गई हैं इनका मकसद क्या है? आज लखनऊ वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रदर्शनी में वो आएँ और उन्हें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है ख़ास? लखनऊ वासियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छायाकार, वरिष्ठ छायाकार टाइम्स ऑफ इंडिया के श्री मनोज छाबड़ा जी ने ये पिछले 4 दशक से अधिक का उनका कार्य है, लगभग 4.5 दशक होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। और इतने कार्य अंतराल को कोई आदमी प्रोफेशन में रह के भी उसका साक्षी नित्य प्रति बन जाए, यह संभावना बहुत दुर्लभ होती है। लेकिन उन्होंने अगर हमें 40-45 वर्षों का काम एक साथ एक छत के नीचे एक दीर्घा में देखने का अवसर दिया है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। और इससे देख के हम भी स्वयं को अपने इतिहास से, इतिहास का मतलब ये नहीं कि 300, 400, 500 साल होगा तभी इतिहास होगा, बीता हुआ कल भी इतिहास का एक क्षण होता है। और ये 40-45 वर्ष तो इसको समझिए आधी सदी का कार्य है, पूर्व सहस्रार्धी और यह सहस्रार्धी, इन दोनों का काम आपको देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे पॉलिटिकल और डे टू डे लाइफ के ऑफ बीट इवेंट्स हैं जो आपको देखेंगे तो आपके मन में कुछ खट्टी मीठी यादें भी जगेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की। और एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय थोड़ा सा बताएं ताकि मैं कुछ और एक आध सवाल आपसे पूछ सकूं। मेरा नाम रवि कपूर है, मैं भी एक छायाकार हूँ पेशे से, और इस दीर्घा में करीब 15-20 प्रदर्शनियों में मेरा सहभागिता रही है। अच्छा, तस्वीरों को जब कैप्चर करने की बात आती है तो आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है और सभी फोटोग्राफर हैं, लेकिन एक एक्चुअली में जो चीज़ हम कैप्चर करना चाहते हैं, जिस तरह से आपने प्रदर्शनी में दिखाने की कोशिश की है, वो बनना और एक सामान्य तौर पर रहना, इन दोनों में कितना फ़र्क होता है और कैसे लोग इस तरह से भी पहुंच सकते हैं? देखिए, मनोज छाबड़ा जी बहुत सारी जगहों पे इसमें रहे हैं, इनके साथ में समझता हूँ मीडिया के भी अनेक 10-15-20 छायाकार गण इनके साथ रहे होंगे, लेकिन सबकी एक अपनी दृष्टि होती है, सबकी एक अपनी प्रस्तुति की शैली होती है, तो इनकी एक अनूठी शैली है जिसके माध्यम से ये अपनी दृष्टि हम आपको दिखाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप भी उस दृष्टि से देखें जिससे मैंने इस दृश्य को देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका।